आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी अब इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स हैं और ट्रायंगल के आउटसाइड या बाहर भी आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो ट्रायंगल के इनसाइड हैं पॉइंट्स हम उनको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर रीजन जो ट्रायंगल के इनसाइड जो भी एरिया है वी कॉल इट इंटीरियर रीजन और जो ट्रायंगल के बाहर पॉइंट्स हैं दे आर लाइंग ऑन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल दैट मींस ट्रायंगल के बाहर सो लेट्स फिगर आउट कि इंटीरियर में हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं इफ इंटीरियर में वी हैव पॉइंट एक्स वाई एंड जेड एक्सटीरियर में वी हैव पॉइंट एंड सो बच्चों इससे हमें आइडिया हो गया है कि जो भी एंगल ट्रायंगल के इनसाइड बनेगा वी कॉल इट इंटीरियर एंगल्स। सो ओवर हियर अगर मैं आपको आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में सेट देखे होंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट है तो आपको आइडिया होगा कि जिसमें जीमेट्री बॉक्स में sets, uh, है. एक सेट स्क्ट है आप उससे एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर कितने एंगल्स बन सकते हैं एक जो सेट स्क् उसमें बन सकता है नाइन्टी डिग्री 45 डिग्री दूसरी साइड पे 45 डिग्री इफ एम गोइंग टू ड्रॉ सेट ये एक सेट स्क्वायर है जिसके थ्रू आप एंगल्स को मेजर भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं दैट पे आपके पास 90 डिग्री है यहां 45 और यहां 45। अगर आप इन सब का सम करेंगे इफ यू गोइंग टू सम अप क्योंकि ये इंटीरियर है ये अंदर है एंगल्स इफ यू गोइंग टू सम देम या इन्हें आप ऐड करेंगे आपके पास टोटल आएगा 180 एटी डिग्री सो एक और भी सेट स्क्वायर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में उसकी भी डिफरेंट मेजरमेंट होती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट है वो मैंने इधर लिख ली है this is 90, 60 and 30 इनको भी अगर हम sum up करते है, sum up means add करते हैं हैं 180 degree. So, इससे हमें क्या कंक्लूड होता है क्या कंक्लूजन मिला है हमें हमें मिला है द सम ऑफ ऑफ मेजर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन डिग्री ये बच्चों जो भी आपके पास एंगल्स बनते हैं इन साइड या इंटीरियर रीजन ऑफ दे एंगल ऑलवेज़ सम अप जब हम उन्हें ऐड करेंगे उनका जो आंसर आएगा सम अप करके दैट विल बी ऑलवेज़ इक्वल्स टू 180 एटी डिग्री सो दिस इज द कंक्लूजन वी हैव मेड एंड वी हैव अंडरस्टूड के इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल हमेशा वन के इक्वल होंगे सो लेट्स मूव नेक्स्ट बोर्ड

पढ़ते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू फिगर आउट के हमारे पास डेफिनेशन और फिगर के साथ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल क्या है यू कैन सी ओवर हियर दिस है ट्राई एंगल एक्सटीरियर एंगल ये है इस पॉइंट के जो बाहर बना है दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ दाई एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ द ट्राई एंगल ये एक साइड ट्राई एंगल की और जो इसके बाद ये जो लाइन एक्सटेंड हुई है जो इससे फॉर्म हुआ है दैट एंगल इज कॉल्ड दी एक्सटीरियर एंगल एग्जैक्टली जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राई एबीसी, ए बी सी इसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो है हमारे पास एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी एंड एंगल सी ए बी तो इससे हमारे पास एक्सटीरियर जो एंगल थे वो आ गए एंगल बी यहाँ पे आ गया एंगल सी और यहाँ पे आ गया एंगल ए ये तो हो गए हमारे इंटीरियर एंगल अब हम फिगर आउट करते हैं एक्सटीरियर एंगल को हम कैसे बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने क्या किया हमने जो एक साइड थी बी सी उसको हमने एक्सटेंड कर लिया कहाँ तक इस पॉइंट डी तक फिर क्या हुआ जो ये हमारे पास एंगल आएगा ए सी डी जो यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा दैट वुड बी आर एक्सटीरियर एंगल ए

तो so स्टूडेंट्स अब हम इसको स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दी जैसा कि आपके सामने मैंने एक ट्राएंगल ड्रॉ किया है ट्राइंगल है ए बी सी अब आप देख सकते हैं ए बी सी की जो साइड्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है एक्सटेंड कर दिया है एक्सटेंड करने से क्या हुआ है मेरे पास कौन से पॉइंट आ गए हैं डी ई e, एन एफ इससे क्या हुआ है मुझे मिल गए हैं मेरे एक्सटीरियर एंगल्स अब एक्सटीरियर एंगल्स को पहले तो हम सारे जो एंगल्स बने हैं इस ट्राइंगल में वो आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कुछ मेरे पास इंटीरियर एंगल्स बने हैं और एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो मैं लिख लेती हूँ पहला एंगल है ए बी सी एंगल ए बी सी फिर एंगल है बी सी एंगल बी सी ए फिर इसके बाद है मेरे पास एंगल सी ए बी सी ए बी ये तो हो गए मेरे पास इंटीरियर एंगल्स अब मुझे आइडेंटिफाई करने हैं एक्सटीरियर एंगल्स एग्जैक्टली एक एक्सटीरियर एंगल को चूंकि यहां पे ये डी एक्सटेंड हुआ है यहां से मेरे पास एक एंगल ये बन रहा है दैट इज बी एफ एंगल बी ए एफ फिर एक मेरे पास एंगल बन रहा है ए सी ई और मेरे पास एक लास्ट एंगल बन रहा है डी बी सी या सी बी डी गोइंग टू राइट एंगल सी बी सो स्टूडेंट्स ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल अब इसका क्या रिलेशनशिप है हमारे पास इसका एक रिलेशनशिप बनता है जिसमें अगर हमारे पास कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ द साइजेस ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक्सटीरियर एंगल है इस पॉइंट का तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किन टू वैल्यूज के किन टू साइजेस के इक्वल होगा इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं दैट इज एंगल ए एंड बी जो कि इंटीरियर हैं ये उसके इक्वल होगा सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या है मेजर एंगल ए सी ई अगर आप डायग्राम में देखिये मेजर एंगल ए सी ई किसके इक्वल है मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी चूंकि दोनों ऑपोजिट है और इन दोनों का जो सम होगा ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा लेट्स फाइंड आउट दी अदर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल एंड देयर रिलेशनशिप सो मेरे पास है अब सी बी डी सी बी डी किन इंटीरियर एंगल्स के सम होगा सी बी डी वुड बी इक्वल टू एंगल ए और एंगल मेजर एंगल सी सो so, जैसा कि आपके सामने ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास सी बी डी सी बी डी मेरे पास ये एंगल है इसके ऑपोजिट है ए और सी दैट इज ए एफ मेजर एंगल या बी ए एफ ये एक्सटीरियर एंगल है इसके ऑपोजिट कौन से एंगल आपके पास आ जाएंगे बी एंड सी मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी दे आर ऑल इंटीरियर एंगल इन दोनों का साम और इसका साम इक्वल होगा सो आई होप दू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स वी आर डन विद के रिलेशनशिप क्या है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सो स्टूडेंट अब हम सोल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स टू मेक आर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर सो लेट्स मूव टू वर्ड दोर्ड सो स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर वन है

क्या कहा है फाइंड दर्टिकल एंगल वर्टिकल मीन इन दोनों की जो ऑपोजिट एंगल होगा दैट इज दिस एंगल इज मिसिंग दैट इज दंगल दैट वी नीड टू फाइंड आउट सो आपके सामने हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इंटीरियर एंगल्स क्या है मेरे पास मेजर एंगल मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री मेजर एंगल ए व्हिच इज नॉट गिवन सो आई एम गोइंग टू राइट इट द सेम वे प्लस मेजर एंगल बी मेरे पास है 65 डिग्री मेजर एंगल सी भी 65 फाइव डिग्री विच इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री मेजर एंगल ए 65 को आप 65 से प्लस करेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू गेट टेन वन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू वन एटी डिग्री बिकॉज वी नीड टू नो दर्टिकल एंगल विच इज मेजर एंगल ए तो मैं 130 को उधर ले जाऊंगी। Which will give me 50 so, angle, जो की मेजर एंगल ए है उसकी क्या वैल्यू आई है हमारे पास एग्जैक्टली आंसर इज फिफ्टी डिग्री सो उधर है हमारे पास फिफ्टी डिग्री सो आई होप स्टूडेंट दैट यू कैन एबल टू फाइंड आउट द एंगल्स और द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राई एंगल विद दिल्प ऑफ दिसल सो लेट्स नंबर टू अब एग्जाम्पल नंबर टू में हमारे पास है एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राई एंगल इज वन ट्वेंटी डिग्री एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज फिफ्टी फाइव डिग्री फाइंड मेजर एंगल बी ए सी ये स्टूडेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू ड्रॉ आर ट्राई एंगल प्रॉपरली और हमें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है हमें एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है विच इज वन टाइव और एक वन इंटीरियर एंगल गिवन है विच इज फिफ्टी फाइव तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ ट्राइ एंगल ए बी सी जिसमें एक्सटीरियर एंगल है जो कि एक्सटेंड किया गया है बी सी को डी तक तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है 125 डिग्री और आपको आइडिया होगा कि हमने इनका रिलेशनशिप स्टडी किया था एक्सटीरियर एंगल किसका सम बनता है एक्सैक्टली सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर साइड तो इसके ऑपोजिट क्या होगा ए और बी जिसमें से हमारे पास गिवन है b b की वैल्यू है 55 हमें फाइंड आउट करना है बी ए सी ये एंगल फाइंड आउट करना है तो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ओके अब हमारे पास क्या गिवन है एक्सटीरियर एंगल विच इज 125 डिग्री सम ऑफ ऑपोजिट इसके ऑपोजिट है बी बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 55 प्लस मेजर एंगल जो कि गिवन है बी ए सी वो हमें फाइंड आउट करना है अब इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगी आई एम गोइंग टू गेट दिस सो एम गोइंग टू राइट मेजर एंगल बी ए सी विच इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव i would be getting 5 minus 5 would be 0 and 70 degree so student i hope that you got the concept and the relationship between exterior and interior angles so students we are done with our today's lecture i hope that you got the concept keep practicing maths take care allah hafiz